बीजेपी नेता राम माधव ने असहिष्णुता के विषय पर अभिनेता आमिर खान के बयान की निंदा करते हुए कहा कि उन्हें देश की प्रतिष्ठा के बारे में केवल ऑटो रिक्शा चालकों को नहीं बल्कि अपनी पत्नी को भी ज्ञान देना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि भारत के लोग जब विदेश जाते हैं तो उन्हें हिंदू के रूप में माना जाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में उन्हें हिंदू कहकर पुकारते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई जाएंगे। इस दौरान वो यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विद्यार्थियों से भी संवाद करेंगे। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती आज सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी की ओर से किसी तरह की कोई शर्त नहीं रखी गई है। आमिर खान की मशहूर फिल्म लगान में गुरन बाबा का यादगार किरदार निभाने वाले एक्टर राजेश विवेक का 66 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान में मसूद की गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारत पाक विदेश सचिव स्तर की वार्ता टल गई है। Well, as to your first question, both the countries are in contact to firm up the date for the meeting of the two foreign secretaries. As to the second question, I am not aware of any such meeting. मसूद की गिरफ्तारी के मामले में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा जैश ए मोहम्मद पर की गई कार्रवाई एक सकारात्मक कदम है, लेकिन जैश चीफ मसूद अजहर की गिरफ्तारी पर भारत को कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि पठानकोट हमले की जांच के लिए पाकिस्तानी जांच टीम का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि हमले के दोषियों को सजा मिलेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि हमने पाकिस्तान को काफी सबूत दिए हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान सबूतों के अनुरूप कार्रवाई करेगा। इससे पहले पाकिस्तान से बड़ी खबर आई थी कि जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर उसके भाई अब्दुल रऊफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के अखबार द न्यूज ने दावा किया है कि पठानकोट हमले के 6 आतंकी पाकिस्तान से ही भारत में गए थे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में संयुक्त राष्ट्र ऑफिस के पास एक कैफे समेत 6 जगहों पर हुए धमाकों और गोलीबारी में 3 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 4 हमलावर मारे जाते हैं। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी एपी ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से खबर दी है कि 3 आत्मघाती हमलावरों ने जकार्ता के स्टारबक्स कैफे में खुद को बम से उड़ा दिया है। घटनास्थल पर करीब 10 से 40 हमलावरों के होने की आशंका जताई गई है। इराक की राजधानी बगदाद में कार में हुए बम धमाके में 18 लोगों की मौत जबकि 50 से अधिक घायल हो गए। आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हालात नियंत्रण में हैं, हालांकि उन्होंने हमले में आईएस का हाथ होने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन फॉर्मूले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के खिलाफ दायर की याचिका को पब्लिसिटी स्टंट बताया। कोर्ट ने कहा कि लोग प्रदूषण से मर रहे हैं। श्रीनगर में एक लापता युवक का शव मिलने के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर लाठभूसे भी चलाए। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को पाक में कॉन्फ्रेंस का न्योता। पाक अधिकृत कश्मीर के राष्ट्रपति ने इस्लामाबाद में चलने वाली 2 दिवसीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया आमंत्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। पीएम देश और देशवासियों के मंगल की कामना की। मकर संक्रांति के अवसर पर अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पतंग उड़ाई। शाह ने देशवासियों को मकर संक्रांति पोंगल बिहू की बधाई दी। मध्य प्रदेश के भौरी में एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। अब भारत के बाहर के देशों के लोग भी जल्द ही अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके भारत के बाहर से रेल टिकट आरक्षण करा सकेंगे। मुंबई के ठाणे के कल्याण इलाके में एक भिखारी के घर में नोटों से भरी 3 बोरियां मिली हैं। मंगलवार रात उसके घर में आग लग गई। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का आज 60वां जन्मदिन है। बीएसपी नेता और कार्यकर्ता जन कल्याणकारी दिवस के रूप में जन्मदिन मना रहे हैं। लखनऊ में आज एसोचैम यूपी चैप्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 3 बजे सीएम अखिलेश यादव समिट का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। सीएम अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र पार्क में सुपर सोनिक फाइटर प्लेन MiG-21 का लोकार्पण किया। वायुसेना के सहयोग से एलजीए ने इसे स्थापित किया है। गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र के गांव नगला मूसा के जंगलों में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को गोली लग गई। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ के खरकौंदा थाना इलाके के हापुड़ रोड पर स्विफ्ट कार सवार 4 हथियारबंद बदमाशों ने पशु व्यापारी की गाड़ी को ओवरटेक कर हथियारों के बल पर 25 लाख रूपये लूट लिए। सीएम अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल महिला सुरक्षा के लिए बनाई गई हेल्पलाइन
1090 के प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने लखनऊ यूनिवर्सिटी की लॉ की छात्रा से छेड़छाड़ की। यूपी के आईजी कानून व्यवस्था ए सतीश गणेश ने यूपी की विमेन पावर लाइन 1090 के प्रभारी राघवेंद्र सिंह पर ही एक छात्रा से लगे अश्लीलता अभद्रता के आरोपों के चलते मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच कराकर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। फतेहपुर में दो पक्षों में झड़प और लाठीचार्ज के बाद गोलियां चली। पत्थरबाज से लाठीचार्ज में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हालात तनावपूर्ण होने पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। झांसी में 3 दिन पूर्व युवक की हत्या मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्राम जौरी बुजुर्ग की रहने वाली सविता ने अपने प्रेमी भूपेंद्र उसके रिश्तेदार अखिलेश के साथ मिलकर अपने पति सत्येंद्र के खेत पर हत्या कर दी थी। बुलंदशहर में एक मासूम बच्चे पर चोरी का आरोप लगाकर यातनाएं दी गई। बच्चे को जलती बीड़ी से दागा गया। बच्चे को करंट भी लगाया गया। यही नहीं, चढ़ी और पिछली के तारों से इतना पीटा गया कि उसकी चमड़ी उपड़ गई। पीलीभीत में सीएचसी में प्रसव को आई एक महिला ने सीएचसी के शौचालय में ही बच्चे को जन्म दे दिया, जिसकी वीडियो बनने के बाद अब डॉक्टर परेशान है। फरुखाबाद के कायमगंज में चोरों ने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर जाकिर हुसैन के पैतृक निवास से चोरी की हिमाकत कर डाली। पूर्व राष्ट्रपति के पैतृक निवास पिथौरा में पूर्व सलमान खुर्शीद द्वारा बनाए जा रहे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन स्मारक देखने के बहाने चोर पीतल तांबे के शोपीस और एसी के पाइप चुरा कर ले गए। मुख्य सचिव ने बांदा के पड़ुई गांव में चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुना। मुख्य सचिव ने गांव के ही रात्रि विश्राम किया, लेकिन रात्रि में आसपास के गांव के ग्रामीणों को फटकने भी नहीं दिया गया। महोबा के पुंडई गांव में सुबह मुख्य सचिव ने प्रशासनिक अमले के साथ गांव का पैदल भ्रमण किया और गांव के हालातों के बारे में जानकारी हासिल की। बांदा में मुख्य सचिव के लौटते ही पूरा गांव फिर से अंधेरे में डूब गया। इससे पहले मुख्य सचिव के आगमन को लेकर गांव दूधिया रोशनी से नहा रहा था। रामपुर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम ने कैबिनेट मंत्री आजम खान पर कुर्सी की धांधली और गिरफ्तार करने का इल्जाम लगाया है। रामपुर के थाना पटवाई की रहने वाली किशोरी को युवकों द्वारा बहला फुसलाकर अगवा कर लिया गया। अगवा करने के बाद किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। आजमगढ़ के मंगरावा गांव में अगवा कर एक किशोरी के साथ 5 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर पीड़िता को बरामद कर लिया है। कानपुर घाटमपुर थाना के इलाके के हिरनी गांव में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की लाठी डंडे से पीट पीट की हत्या कर दी गई। गांव के रहने वाले ट्रक चालक जगराम अपने साथियों के साथ शराबी कर वापस घर को लौट रहा था। अलीगढ़ के थाना शास्त्री के चिराग के नगला मानसिंह में हार्डवेयर कारोबारी की फैक्ट्री में गला रेत कर हत्या कर दी गई। जौनपुर में कंप्यूटर क्लास से लौट रही 2 युवतियों का अपहरण हो जाने से सनसनी मच गई। बलरामपुर में 2 मोटरसाइकिलों में हुई भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। फिरोजाबाद के थाना टूंडला में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान दौरान में एक युवक ने जमकर हंगामा काटा। जब पुलिस प्रशासन ने उसको वहां से हटाने का प्रयास किया तो वह बीच सड़क पर लेट गया। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कांग्रेस के नवनिर्वाचित ससरा पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने आए कांग्रेस सांसद राज बब्बर ने कहा कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव महागठबंधन बनाकर लड़े जाने से विरोधियों को परास्त किया जा सकेगा। हाथरस में एक कार्यक्रम में शिरकत करने गए हिंदू नेता साध्वी प्राची ने कहा कि राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा, संसार की कोई ताकत राम मंदिर अयोध्या में बनने से नहीं रोक सकती। वाराणसी के मैमूरगंज मुख्य मार्ग में कपड़े के शोरूम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर 8 फीट का अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। मुरादाबाद के थाना ठाकुर द्वारा क्षेत्र में सिहोरा मार्ग पर भूसे से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी और ट्रक टक्कर मारकर फरार हो गया। मथुरा के थाना कोसेकला पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियों पर छापा मारकर कार्रवाई करके भारी मात्रा में बने अधुबने हथियारों को बरामद किया है। इलाहाबाद के माघ मेले में तंबुओं नागरी बस और तैयार हो गई है और इन तंबुओं पर पूरे 1 माह तक लोग रहे क्लब्स करेंगे। आगरा में शुरू हुई 5 दिन तक चलने वाली डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस आई को 2016 में एक तरफ जहां विशेषज्ञ महिलाओं से संबंधित जटिल बीमारियों के इलाज की नई तकनीकियों पर मंथन कर रहे हैं, तो वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव भी आयोजित किया गया। माघ मेले क्षेत्र के खाक चौक में जमीन आवंटन के तौर तरीकों से नाराज माधव दास और उनके समर्थक साधु संत अभी भी मेला अधिकारी के कार्यालय पर ही कब्जा कर बैठे हैं। बरेली में 3 दिवसीय उत्तरायणी मेले के आयोजन किया जा रहा है। उत्तरायणी मेले का शुभारंभ केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने फीता काट कर किया।
बागपत में सिंगावली अहीर थाना क्षेत्र के खिंदौड़ा गांव से दसवीं कक्षा की छात्र साक्षी का अपहरण के बाद हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वाड़सिगे तेलिया बाग स्थित खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी के समापन समारोह के अवसर पर केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री कैलाश मिश्र ने शिरकत की। बहु जनपद के थाना कोतवाली के परदाह रेलवे लाइन पर करीब 22 वर्षीय युवक की दो टुकड़ों में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आगरा में आरपीएफ इंस्पेक्टर की दबंगई सामने आई है। इंस्पेक्टर और उसके परिजनों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण में मिर्जापुर जिला पंचायत महिला सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत किया गया। मैनपुरी में संध्या यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद की शपथ ली। मथुरा पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर की छापेमारी। गोरखपुर में जीजा ने नाबालिग साली को अपने हवस का शिकार तो बनाया ही, उसे अपने भाई को भी परोसकर हैवानियत का नंगा नाच कर रिश्ते को तार तार कर दिया। बिचरौर में निर्माणाधीन होटल का लेंटर गिर गया, जिसके नीचे आकर कई मजदूर दब गए। आजमगढ़ में बीजेपी के पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने कहा कि राम मंदिर में आस्था रखने से विकास नहीं होगा। शामली कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित हुए अध्यक्ष और सदस्यों को डीएम शामली ने ईमानदारी से कार्य करने की शपथ दिलाई। मथुरा में ऑटो चालक से उगाही का विरोध कर रहे सपा नेता को सिपाहियों ने गिरा गिरा कर पीटा। बुंदेलखंड में सूखे के हालात का जायजा लेने कांग्रेस नेता और केंद्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पूनिया महोबा गए। मऊ में एसबीआई वैन से हुई 30 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना 14 दिसंबर 2015 की है। मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ती के साथ सामूहिक दुराचार और वीडियो वायरल किए जाने के बाद आशा द्वारा आत्महत्या करने के मामले में आशा संगठन ने जिला मुख्यालय पर जमकर विरोध किया। संभल में एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी और शव कुएं में फेंक दिया। नोएडा के थाना 49 पुलिस ने एक युवक ने अपना धर्म छुपाकर युवती से शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों बाद युवती को पता चला कि उसका पति मुसलमान पहले से शादीशुदा है। फरुखाबाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के पैतृक निवास पिथौरा में पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन भवन से चोर पीतल, तांबे के शोपीस और एसी के पाइप चुराकर ले गए। फरुखाबाद में 18 दिन तक कपड़ा छपाई कारखाने बंद रहेंगे। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तमाम स्नान त्यौहार में गंगा में होने वाले स्नान को देखते हुए फैसला लिया है। फिरोजाबाद में कड़ाके की ठंड, कोहरे ने दिक्कत बढ़ा दी है। कोहरे के चलते वाहन सड़क पर वाहनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संगम नगरी इलाहाबाद में मकर संक्रांति के मौके पर त्रिवेणी के संगम में श्रद्धा में लोगों ने स्नान किया। वाराणसी मकर संक्रांति के मौके पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। कन्नौज मकर संक्रांति के पर्व पर लाखों लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। कानपुर मकर संक्रांति के मौके पर पतंग बाजार बेजार नजर आ रहा है। नोएडा में लोहड़ी का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अमरोहा के गजवाला में बजरी बदरपुर से लदा एक ट्रक भानपुर रेलवे क्रॉसिंग के बीचों बीच पलट गया। कैबिनेट मंत्री आजम खान ने आखिरकार मान ही लिया कि समाज में वो सबसे ज्यादा नफरत की नजर से देखे जाने वाले शख्स हैं। ई रिक्शा वितरण समारोह में आजम खान ने अपना ही रोना रोया। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई राजपाल सिंह यादव के बेटे अंशुल यादव ने जावा के जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। हरदोई के सुरसा थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर बीडीसी सदस्य के घर पर डकैतों ने डकैती कर दी। मुरादाबाद के चतपुरा गांव में कुत्तों के आतंक से बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। पिछले दिनों आवारा कुत्तों ने एक बच्ची पर हमला बोल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। हरदोई के संडीला पुलिस ने विदेशी शराब के साथ 2 बुलेरो जब्त की। विदेशी शराब की कीमत करीब 58 लाख रूपये आकी गई है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ गुप्त तट पर तुराइनी कैथिक मेले का राज्यपाल राम नाईक ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने आशा ज्योति संस्था मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर के श्री गोरखनाथ मंदिर में आज से खिचड़ी मेले की शुरुआत हो गई है। शिवावतार बाबा गोरखनाथ को पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुख सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है। मऊ में मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो छपे पतंगों की डिमांड काफी बढ़ गई है।
जौनपुर के माधोपट्टी गांव को आईएएस का गांव कहा जाता है। इस गांव में 75 घर ऐसे जिसमें 47 लोग आईएएस अधिकारी हैं। गंगा पूजन के साथ शुरू हुआ अर्धकुंभ का आज पहला स्नान। हरिद्वार में अर्धकुंभ के पहले स्नान के चलते भक्तों के का लगा जमा पड़ा। हरिद्वार में अर्धकुंभ के अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन की मदद से मेले की निगरानी की जा रही है। अर्धकुंभ में एक साधु की चटाई आकर्षण का केंद्र बन रही है। साधु की चटाई करीब 2 मीटर तक लंबी है। लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है सेल्फी का क्रेज। हरिद्वार कुंभ में भी नजर आ रहा है सेल्फी का क्रेज। हरिद्वार में गोल्डन बाबा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी के प्रयास से ही पाकिस्तान में मसूद को गिरफ्तार किया गया है। तुर्की के नगला इमरती गांव में जमीनों का मुआवजा न मिलने से नाराज सैकड़ों किसान 6 महीने से धरने पर बैठे हैं। हल्द्वानी पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह गुंजवाल ने कहा कि केंद्र सरकार बराबर राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार ने तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के साथ बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार किया है। विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। केंद्र सरकार के पैसे के न देने की वजह से कई केंद्र शासित केंद्र मत से वित्त पोषित योजनाएं जो है हुआ। पौड़ी में अब रांची हेलीपैड के स्थान पर दूसरी जगह पर हेलीपैड बनाया जाएगा। अभी तक रांची स्टेडियम में ही हेलीकॉप्टरों को उतारा जाता था। देहरादून में तंग चौराहों के सुधार और सड़कों के चौड़ीकरण पर काम शुरू हो गया है। एमडीजी ने सहारनपुर चौक से काम शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार मर्जी से हरे भरे पेड़ों को काट रहे हैं। विकास नगर पर में हड़ताल पर गए डॉक्टरों का मामला सुलझने तक सीएमओ देहरादून ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाते हुए विकास नगर और कटापत्थर के सरकारी अस्पतालों से 3 डॉक्टरों को सीएचसी सहिया में तैनात किया है। पूर्व सीएम बहुगुणा ने मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि सीएम उनकी बात नहीं समझ रहे हैं, वो इस पर सोनिया गांधी से मिलकर ही बात करेंगे। बहुत अहम नहीं है, लेकिन ये है कि जो कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं प्रदेश की जो विकास से संबंधित है उनके ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी बनती है, तो मैं प्रदेश की आवाज उठाऊ। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में हॉग डियर पर शिकारियों का खतरा मंडरा रहा है। शिकार के चलते इनकी संख्या तेजी से घट रही है। अल्मोड़ा में नगर पुलिस ने जागरूकता रैली निकाली और पूरे बाजार में लोगों को हेलमेट पहनकर चलने के आदेश दिए। उधम सिंह नगर में प्रदूषण से लोगों को मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल की। इसके लिए साइकिलिंग को साहसिक खेलों की सूची में शुमार किया गया है। मसूरी को जल्दी दून को जोड़ने के लिए रोपवे परियोजना के लिए झंडी मिल गई है। अल्मोड़ा से कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप चमटा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैंप के मालखाने से एक पिस्टल और काशीपुर से एक रिवॉल्वर गायब होने के मामले पर एसएसपी केवल खुराना सख्त हो गए हैं। एनजीटी ने उत्तराखंड को बड़ा झटका दिया है। एनजीटी ने नमामि गंगा योजना के तहत उत्तराखंड को एक भी पैसा नहीं देने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया है। मसूरी में आईटीबीपी अकादमी को मिली जमीन के दाखिल खारिज न होने की दशा में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने किसानों को फसल के नुकसान के तहत बीमा कवर तहत मुआवजा देने का प्रावधान किया, जिस पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री नरेश बंसल ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से किसानों के बारे में सोचा और उसी हिसाब से उनके लिए योजना भी बनाई है। देहरादून के कथित फर्जी महिला डॉक्टर मामले में नैनीताल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जोशीमठ में टीएचडीसी विद्युत परियोजना कंपनी के साथ काम कर रही एचसीसी कंपनी द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के साथ अभद्रता किए जाने के विरोध का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीण कंपनी प्रबंधन द्वारा अभद्रता किए जाने की शिकायत लेकर जिलाधिकारी कार्यालय गए। रामनगर में पहली बार पुरानी मेले के मौके पर पुराण महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कई लोक कलाकारों ने अपने फन के जलवे बिखेरे। रामनगर के दौरे पर आए बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को केंद्र के खिलाफ नकारात्मक बोलने की आदत सी हो गई है। उत्तरायणी पर्व के साथ ही खटीमा में 4 दिवसीय उत्तरायणी मेले का आगाज हो गया। कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान समिति के द्वारा आयोजित मेले की शुरुआत में जहां नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। हाईकोर्ट ने नैनीताल से अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए थे, जिसके बाद शासन ने कमेटी गठित कर सभी जोनों में बसे इन लोगों का चिन्हीकरण किया। उत्तरकाशी पौराणिक माघ मेले का विधिवत ढंग के साथ रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुभारंभ हो गया। मुख्य अतिथि सीएम के औद्योगिक सलाहकार रणजीत रावत रहे। उत्तराखंड में जगह जगह उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं काशीपुर में भी बीते 20 सालों से चामुंडा मंदिर में मंदिर समिति द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति और उत्तरायणी पर्व के मौके पर हल्द्वानी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच से उत्तराखंड के लोक कला को
प्रदर्शित करने वाले झांकियों के साथ साथ पर्यावरण को संदेश देते हुए पुरानी मेला समिति ने सुंदर झांकियों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। अर्थ के मौके पर पहली बार देवप्रयाग में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने संगम स्थल पर श्रद्धा की डुबकी लगाई। रुद्रपुर के जाफरपुर गांव में रहने वाले गरीब मजदूर जितेंद्र सिंह की झोपड़ी को ग्राम प्रधान ने उजाड़ दिया। अब गरीब जितेंद्र अपनी पत्नी और एक विकलांग बेटी और बेटे सहित अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। कालाडूंगी की पन्ना खेड़ा रेंज में वन कर्मियों ने एक तस्कर को हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया है। उधम सिंह नगर में पुलिस विभाग ने जनता दरबार की प्रथा शुरू करने वाले जिले के कप्तान केवल खुराना ने दर्जनों लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले भर से आए लोगों ने अपनी शिकायत एसीडी एसएसपी को दर्ज कराई। जिला रामपुर के बर्खास्त सिपाही के मामले में राज्य सूचना आयुक्त ने गृह सचिव उप शासन को तलब किया है। मामला वर्ष 2009 का है। टीरी में भागीरथी और भिरंगना के संगम में स्नान के लिए लोगों की काफी भीड़ जुटी है। लोग सुबह से झील पर पहुंच जाते हैं। देहरादून में सपा ने चुनाव के लिए घोषणा पत्र के मुद्दों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। सपा अध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश में कई समस्याएं भी दूर नहीं हो पाई हैं। टीरी के जिलाधिकारी खप्पा डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जिला अस्पताल में काला फीता लगाकर अपना विरोध जताया। दिल्ली के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैच में अपना दम दिखाने के लिए बेताब है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेड हेडन ने कहा कि भारत खराब एम्पायरिंग की शिकायत नहीं कर सकता। भारत की अंडर 19 टीम के कप्तान ईशान किशन को पटना पुलिस ने कथित तौर पर लापरवाही से कार चलाने के मामले में गिरफ्तार किया है। क्रिकेट के पहले हजारी प्रणव धनावड़े को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से सम्मानित किया गया। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा अध्यक्ष से प्लास्टर और यूरोपीय फुटबॉल संघ के प्रमुख माइकल प्लाटिनी को 8 साल के लिए प्रतिबंधित किए जाने के बाद फीफा ने महासचिव जेरोम वाल्के को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाज डेविड वार्नर ने ट्विटर पर अपनी दूसरी बेटी इंडी राइट का स्वागत किया है। इंडी राइट वार्नर की दूसरी बेटी है। प्रीमियर बैडमिंटन लीग के अहम मुकाबले में चेन्नई स्मैशर्स ने बेंगलुरु टॉप गन्स को 4-1 से हरा दिया। इस जीत की बदौलत चेन्नई स्मैशर्स ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। प्रीमियर बैडमिंटन लीग के एक मैच में रिलीज एसर्स ने मुंबई रॉकेट्स को 5-0 से हरा दिया। बॉलीवुड की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म जुबान का ट्रेलर रिलीज किया गया है। फिल्म में विक्की कौशल और एक्ट्रेस सारा जेन प्याज मेन रोल निभाते नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी युवा लड़के पर आधारित होगी जो खुद पर से विश्वास होकर अपने अंदर म्यूजिक को लेकर डर पैदा कर लेता है। श्रद्धा कपूर बागी और रॉक ऑन 2 की शूटिंग खत्म करने के बाद हाफ गर्लफ्रेंड और ओ कधल कनमड़ी की रीमेक की शूटिंग शुरू करेंगी। श्रद्धा ने कहा कि वो हाफ गर्लफ्रेंड और ओ कधल कनमड़ी रीमेक पर काम करने के लिए उत्साहित है। अब्बास मस्तान अब अपनी खासियत यानी सस्पेंस थ्रिलर जॉनर में लौट आए हैं। अमिताभ बच्चन को लीड रोल में लेकर वो एक फिल्म बनाने वाले हैं। 4 और कलाकार सपोर्टिंग रोल रहेंगे। रॉकी हैंडसम में कुछ पोस्टर रिलीज हुए थे। क्रेज को देखते हुए कुछ नए पोस्टर रिलीज कर दिए गए। इस साल फिल्म गुस्ताखिया में दीपिका और इरफान पर्दे पर रोमांस करते नजर आएंगे। उस फिल्म का निर्माता संजय लीला भंसाली है जिनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बादशाह मस्तानी में दीपिका ने मस्तानी की भूमिका निभाई थी। परिणीति चोपड़ा इस अफवाह से नाखुश हैं कि वो निर्देशक फराह खान की अगली फिल्म में काम करने जा रही हैं। उससे पहले उनके बारे में ऐसी खबर थी कि सुल्तान में काम कर रही हैं। परिणीति ने कहा कि उदास। अभिनेता आफ्ताब चिंदिशानी का कहना है कि वयस्क कॉमेडी करना आसान नहीं, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी मजाक अभद्र ना लगे। अक्षय कुमार की 1 साल में 4 फिल्में तो रिलीज हो ही जाती हैं। एयरलिफ्ट, हाउसफुल 3 और रुस्तम के बाद इक्का भी लाइन में है जिसकी शूटिंग अक्षय शुरू करने वाले हैं। कॉमेडी नाइट विद कपिल से मशहूर हुए कलाकार के कुशादा की गिरफ्तारी के मामले में कई बॉलीवुड सितारे सामने आए हैं। ऋषि ने ट्विटर पर गुरमीत राम रहीम की फोटो पोस्ट कर कहा कि इस फोटो को ध्यान से देखिए, मैं इस रॉक स्टार को अपनी अगली फिल्म में एक किरदार के रूप में निभाना चाहूंगा। आदित्य रॉय कपूर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की फिल्म फितूर का दूसरा सॉन्ग रिलीज किया जा चुका है।